बात उस खबर की जहां जनता का पैसा, टैक्स का पैसा, आपका पैसा, हजारों करोड़ जो पैसा है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। क्योंकि जब 1700 करोड़ का पुल धराशायी हो गया तो बिहार सरकार की अब नींद टूटी है। जो पुल 9 साल में तैयार नहीं हो पाया, निर्माण के दौरान ही जिस पुल का हिस्सा बार बार गिरता रहा, अब नीतीश सरकार चौतरफा किरकिरी के बाद हरकत में दिख रही है। पुल बनाने वाली एसपी सिंगला कंपनी को अब कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। खगड़िया डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया है। बिहार राज्य पुल निगम के एमडी को भी अब जाकर कारण बताओ नोटिस दिया गया है। खबर यह भी है कि बिहार सरकार एसपी सिंगला कंपनी को ब्लैकलिस्ट भी कर सकती है। लेकिन सवाल यह है कि ये सारे अब तक क्यों नहीं हुए? नीतीश सरकार अब तक क्यों हाथ पे हाथ धरे बैठी रही? और क्या सिर्फ कंपनी की ही गड़बड़ी है जिसने टेंडर पास करवाया? क्या इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है? इससे संबंधित मंत्रालय की कोई जिम्मेदारी नहीं है? मंत्री की कोई भूमिका नहीं है? ये तमाम सवालात हैं। चलिए अब सिलसिलेवार तरीके से जरा विस्तार से नजर डालते हैं। 9 साल 7 डेडलाइन और फेल। 23 फरवरी 2014 सीएम नीतीश ने पुल की नींव रखी। पहली डेडलाइन मार्च 2019 तय की गई, दूसरी डेडलाइन गौर करिए मार्च 2020 यानी कि ठीक एक साल बाद, तीसरी डेडलाइन मार्च 2022 फिर एक साल बढ़ा दिया गया। आगे बढ़ते हैं, चौथी डेडलाइन पर नजर डाल लीजिए दिसंबर 2022, पांचवी डेडलाइन मार्च 2023 कुछ महीने पहले, छठी डेडलाइन जून 2023 यानी कि जून में ही है हम, और सातवीं डेडलाइन दिसंबर 2023। लेकिन ये तो पुल धराशायी हो गया, 1700 करोड़ जो लागत बैठे थे वो पैसे कहां गए? यानी कि भ्रष्टाचार के भेंट चढ़े गए। अब जागी है नीतीश सरकार, क्या एक्शन हुआ है नजर डालते हैं। एक्शन नंबर 1, कंस्ट्रक्शन कंपनी को नोटिस भेजा गया है। एक्शन नंबर 2, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सस्पेंड यानी निलंबित कर दिया गया उनको। एक्शन नंबर 3, पुल निगम के एमडी को नोटिस भेजा गया है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या सिर्फ इन्हीं की भूमिका है? सरकार किस लिए है? टेंडर कैसे पास हुआ? जो मंत्रालय है जिम्मेदार उसकी जवाबदेही तय नहीं होती है, मुख्यमंत्री की जवाबदेही? अब हादसा होता रहा, सरकार सोती रही। अब एक्शन जो दिखने को मिल रहा है, 30 अप्रैल 2022 100 फुट स्लैब गिरा, जानकारी दी गई थी। 3 जून 2022 को एक स्लैब और गिर गया। 4 जून को 2023 को 200 फुट स्लैब गिर गया और इसकी जानकारी विधानसभा में भी दी गई थी। इस पर खुद तेजस्वी यादव ने कहा था कि इस पर गौर करेंगे, एक्शन होगा। लेकिन जब तक एक्शन होता वो तो पुल धराशायी हो गया। रोहित सिंह का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे रिपोर्टर, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रोहित, ये जनता के पैसे हैं, किसी के भी पैसे नहीं है, आम लोगों के पैसे हैं, 1700 करोड़, क्या हम माने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया क्योंकि पुल में समा गया ये तो? बिल्कुल आशुतोष, इसमें कोई शंका या शुभा नहीं होनी चाहिए कि ये एक भ्रष्टाचार का पुल था और ये अब जो पुल है वो ताश के पत्तों की तरह भरभराया और गंगा नदी में समा चुका है। और ऐसा लगता है कि दो दो बार जो ये पुल टूट के गिरा है, पिछले साल भी और इस परसों, उसके बाद लगता है सरकार की नींद अभी खुली है। और अब जो एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसको नोटिस जारी किया गया है। जो जानकारी हमें हमारे पास है कि 15 दिनों का नोटिस जारी किया गया है और कारण बताओ बताने के लिए कहा गया है कि आखिर क्यों ऐसी घटना घटी। और एक तरीके से इसे माने तो इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की ये पहली सीढ़ी है, क्योंकि इस कंपनी पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। पटना में भी एक इस कंपनी का प्रोजेक्ट चल रहा था 2-3 साल पहले, उसमें भी 3 बच्चों की मौत हो गई थी जब उस कंपनी द्वारा बनाए जा रहे एक रोड का जो कंक्रीट है वो स्लैब गिर गया था बच्चों पर और 3 बच्चों की मौत हुई थी। तो ये कंपनी हमेशा से सवालों के घेरे में रही है और अब जब घटना घटी है भागलपुर में, उसके बाद एक तरीके से कहें तो कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की शुरुआत हो गई है और इसकी शुरुआत नोटिस जारी करने से की गई है। बहुत शुक्रिया रोहित, आप नजर बनाकर रखें, आपने दर्शकों को जानकारी दी, आपका धन्यवाद। बहुत सारे सवाल हैं लेकिन नीतीश सरकार कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति कर रही है। तो नीतीश के मंत्री और तेजस्वी के भाई तेज प्रताप यादव अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं जिसके लिए जाने भी जाते हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी वाले पुल गिरवा रहे हैं। ये बीजेपी के लोग किए हैं पुल, तो वही लोग गिरवाए हैं, हम लोग तो बना रहे हैं, वो लोग गिरा रहे हैं। भाजपा ही पुल गिराता है, भाजपा ही वाला पुल गिरा। भारतीय जनता पार्टी ये जानना चाहती है कि इसके जिम्मेदार कौन, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि 2014 के 23 फरवरी को इस पुल का शिलान्यास हुआ और इस पुल के शिलान्यास में मैं वहां का स्थानीय विधायक स्वयं था। आप ये बताइए कि इस पुल के गिरने के जिम्मेदार कौन है, ये जानना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। 2014 में इसको स्वीकृत किया नीतीश कुमार जी ने,